डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1993 के अंदर। इनिशियली कंपनी का नेम वेस्टर्न यूटिलिटीज लिमिटेड था, बाद में 6 महीने बाद कंपनी ने नेम चेंज करके डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड रख दिया। अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं, पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 15 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी मार्केट कैप की बात करूं तो पिछले साल कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती थी, फिलहाल कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो 150 से ज़्यादा कंपनी का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है। यानी एक रुपये साल का कमाने वाली कंपनी को लोग 150 रुपये से भी ज़्यादा देने को तैयार है। तो ऐसा क्या है कंपनी के अंदर जो इतनी महंगी वैल्यूएशन पे भी लोग खरीदने को तैयार है। अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर 2-4% भी टूट जाता है तो तुरंत शेयर के अंदर रिकवरी आ जाती है। कंपनी की टैगलाइन द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड, ये 4 वर्ड में ही पूरी कंपनी डिस्क्राइब हो जाती है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी लार्जेस्ट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मेकर है जो डिजाइन से लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी सॉल्यूशन पार्टनर भी है, बड़े बड़े ब्रांड्स कंपनी को अप्रोच करते हैं एज अ सॉल्यूशन पार्टनर, चाहे वो सैमसंग हो, वन प्लस हो, TCL हो, Amazon हो, Flipkart हो एंड मैनी मोर। कंपनी का मानना है इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक हब बन सकता है आफ्टर चाइना। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल, होम अप्लाइंसेस, लाइटनिंग प्रोडक्ट, स्मार्टफोन, सेटअप बॉक्स, CCTV, DVR और मेडिकल इक्विपमेंट के सेगमेंट में है। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात की जाए तो कंपनी LED TV मैन्युफैक्चर करती है, होम अप्लाइंसेस में वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लाइटनिंग प्रोडक्ट में LED बल्ब, ट्यूबलाइट, डाउन लाइटर, मोबाइल फोन्स में स्मार्टफोन। पिछले एक साल में इन सारे सेगमेंट में कंपनी ने जो ग्रोथ दी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 102% की ग्रोथ दी है, होम अप्लाइंसेस की बात करें तो 25% की ग्रोथ दी है, लाइटनिंग सॉल्यूशन में 48%, मोबाइल फोन में 157% और सिक्योरिटी में 497% की कंपनी ने ग्रोथ दी है। इनमें से मेडिकल इक्विपमेंट का सेगमेंट बिल्कुल नया सेगमेंट है कंपनी के लिए, जो पिछले साल ही कंपनी इस सेगमेंट के अंदर आई है। COVID-19 केस के कारण मेडिकल इक्विपमेंट की सेल्स भी काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है कंपनी की। अगर हम ब्रांड बिहाइंड दी ब्रांड्स की बात करें तो कंपनी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है LED TV और मोबाइल फोन की इंडिया के अंदर। अगर आप LED TV या मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं इन कंपनीज़ का, चाहे वो पैनासोनिक हो, सैमसंग हो, शाओमी, TCL, OnePlus और मैनी मोर, इनको डिक्सन टेक्नोलॉजी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम लाइटनिंग प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी फिलिप्स, हैवल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट और इसी टाइप की कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी अगर इन कंपनीज़ की सेल होती है तो इनडायरेक्टली वो सेल डिक्सन टेक्नोलॉजी की ही होती है। ऐसे ही हम होम अप्लाइंसेस की बात करें जिसमें कंपनी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाती है, चाहे वो गोदरेज हो, सैमसंग हो, लियॉर्ड हो, पैनासोनिक हो या मैनी मोर हो, उसमें भी इनडायरेक्टली डिक्सन टेक्नोलॉजी की ही सेल होती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में है, ODM यानी ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरर में है। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो कंपनी का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आता है LED TV से, 48% का। एक साल में कंपनी 4.4 मिलियन यूनिट बेचती है पर एनम, यानी 44 लाख एक साल के अंदर यूनिट बेचती है LED TV की। होम अप्लाइंसेंस की बात करें तो 9% यानी 1.2 मिलियन यूनिट पर एनम बेचती है, यानी 12 लाख। लाइटनिंग सिस्टम की बात करें तो 26% का रेवेन्यू जनरेट होता है, 240 मिलियन यूनिट पर एनम यानी 24 करोड़। मोबाइल फ़ोन की बात करें तो 12%, जिसमें कंपनी 4 करोड़ यूनिट पर एनम बेचती है। सिक्योरिटी सिस्टम 5%, जिसमें कंपनी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ यूनिट पर एनम सेल करती है। रिवर्स लॉजिस्टिक की बात करें तो उसमें कंपनी का रेवेन्यू 0.4% आता है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो कंपनी की 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इंडिया और चाइना के अंदर है। कंपनी 12 लाख स्क्वायर फीट स्पेस कवर करती है इन 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर। अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो कंपनी का कॉम्पिटिटर अंबर एंटरप्राइजेस, ओमेगा डिजिटल सर्किट, एक्सिस इलेक्ट्रॉनिक, एलिड इंडिया और टेक्निक, ये लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है कंपनी के, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल डिक्सन टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता है। अंबर एंटरप्राइजेस जो कंपनी है वो खुद प्रोडक्ट को डेवलप करती है और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो Amazon हो, Flipkart हो, ओ जनरल हो, गोदरेज हो, उनको अपना प्रोडक्ट बेचती है, जिस वजह से किसी भी कंपनी की सेल हो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट अंबर एंटरप्राइजेस को ही मिलता है।
अगर हम कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत कंपनी को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जहां कंपनी को 4-6% तक का इंसेंटिव मिलेगा उनकी इंक्रीमेंटल सेल्स पे, जिस वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम सेकंड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज की बात करें तो कंपनी रिसेंटली मेडिकल इक्विपमेंट के बाजार में उतरी है, जिस वजह से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी तेजी से ग्रो कर सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज की बात करें तो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफ़ी तेजी से बढ़ा रही है, जिस वजह से कंपनी की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी तेजी से बढ़ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। कंपनी ने रिसेंटली MOU साइन किया है भारतीय एयरटेल के साथ। इस जॉइंट वेंचर में कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट, मॉडम, रूटर, सेटअप बॉक्सेस, IoT डिवाइसेस एंड मैनी मोर, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो स्टेक है वो है 74% और भारतीय एयरटेल का जो स्टेक है वो है 26%। रिसेंटली कंपनी ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आई है, जो पुराने प्रोडक्ट को खरीदेगी और उनकी रिसाइकलिंग करेगी। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर रेवेन्यू की बात करें तो FY17 में कंपनी का रेवेन्यू 24,987 मिलियन रुपीस था, यानी 2,500 करोड़ के अराउंड। FY21 में यही रेवेन्यू 6,500 करोड़ रुपये हो चुका है। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो 5 ईयर में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 36% से बड़ी है और 3 ईयर में 31% और ट्रेलिंग 12 मंथ 47% से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बड़ी है। कंपनी का टारगेट है जो मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है वो 20-25% की रह सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर इंडिया चाइना के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनता है तो कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। 3 डिजिट भी हो जाए तो ये इम्पॉसिबल इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो FY17 में कंपनी का प्रॉफिट 48 करोड़ के अराउंड था, जो FY21 में बढ़कर 160 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 5 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 36% से बड़ा है और 3 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट 38% से बड़ा है और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करूं तो 32% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का टारगेट है मिनिमम जो है प्रॉफिट ग्रोथ 30-40% के बीच में रह सकता है 2025-26 तक। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से कंपनी की बढ़ सकती है। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो एबिटा मार्जिन FY16 में कंपनी का 3.71% था, FY20 में ये 5.18% हो गया और FY21 में ये डिक्रीज होकर 4.28% हो गया। FY20 से लेकर 21 के हम बीच में देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी एबिटा मार्जिन जो है वो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, पर कंपनी का मानना है फिर से एबिटा मार्जिन इंप्रूव होंगे। जो PLI स्कीम है उसका भी कंपनी को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का 32% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पे और लॉन्ग टर्म लोन दोनों को मिला के कंपनी कितने रुपए कमाती है। जो 32% है वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25% है। इसका मतलब ये होता है कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर के पैसों पे कितने रुपए बनाती है, यानी 25% बनाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो इसका जो मिनिमम बेंचमार्क होता है वो 12-15% के बीच में आप मान सकते हैं, क्योंकि जो लोन की रेट्स होती है वो 12-15% के बीच में होती है जो इन कंपनीज को पे करनी पड़ती है। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो लोन की रेट से ज़्यादा होना चाहिए, उस कंपनी के लिए उतना ही बढ़िया है। तो लोन की रेट 12-15% और इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी बढ़िया है उस कंपैरिजन में। अगर मैं डेट टू इक्विटी की बात करूं तो कंपनी का 0.21 है, यानी काफ़ी बढ़िया डेट टू इक्विटी है। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है अगर कंपनी के पास 100 रुपये शेयर होल्डर फंड है उसमें कंपनी का कितना उधार है, यानी इस कंपनी का अगर 100 रुपये शेयर होल्डर का फंड है जिसपे 21 रुपये कंपनी का उधार चल रहा है, तो यानी काफ़ी बढ़िया है डेट टू इक्विटी। 1 से below जितना होगा उतना ही कंपनी के लिए बढ़िया माना जाता है। अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो FY17 में कंपनी का रिजर्व 186 करोड़ था और FY21 में यानी 5 साल के अंदर कंपनी का रिजर्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और बढ़कर 726 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर मैं डेटर डे की बात करूं तो FY16 में कंपनी का डेटर डे 23 दिन था, FY21 में 62 डेज हो चुका है। ये कंपनी के लिए नेगेटिव है। डेटर डे का मतलब होता है कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में उसका पैसा कितने दिन में कंपनी के पास आता है। तो पहले
23 दिन में कंपनी के पास अपना पैसा आ जाता था और वही पैसा अब बढ़कर FY21 में 62 दिन 62 डेज में कंपनी के पास आता है। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो FY20 में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 36.17% थी, जो FY21 में थोड़ी सी घटकर 35.0% हो चुकी है। FII होल्डिंग की बात करूं तो मार्च 2020 में कंपनी की FII होल्डिंग 10.76% थी, जो मार्च 21 में 19.84% हो चुकी है। यानी काफ़ी ज़्यादा FII ने होल्डिंग को बढ़ाया है इस कंपनी के अंदर। DII की बात करूं तो मार्च 2020 में कंपनी की होल्डिंग 22.95% थी, मार्च 2021 में DII होल्डिंग जो है 11.02% हो चुकी है। यानी ये नेगेटिव है कंपनी के लिए, काफ़ी तेजी से DII होल्डिंग घटी है शेयर की ओवर वैल्यू को देखते हुए। अगर मैं पब्लिक होल्डिंग की बात करूँ तो पब्लिक होल्डिंग पिछले साल 30.12% थी, जो इस साल मार्च 2021 में बढ़कर 34.10% हो चुकी है। ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा पब्लिक होल्डिंग बढ़ती है, क्योंकि जो स्ट्रांग हैंड है FII DII उनके हाथ से निकाल के जो स्ट्रांग हैंड नहीं है यानी पब्लिक, उनके हाथ में वो होल्डिंग बढ़ती जा रही है, तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव है। अगर हम EPS ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी का 2012 में EPS -4.5 रुपये था, 2021 में बढ़कर 27.5 रुपये हो गया है। यानी 10 ईयर की अगर मैं EPS ग्रोथ की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया कंपनी की रही है 75% से। 5 ईयर की EPS ग्रोथ की बात करूँ तो 28% है, यानी 10 ईयर के मुकाबले काफ़ी कम रही है। जो कारण है मेन वो है जून क्वार्टर 2020 में कंपनी की सेल्स में इंपैक्ट पड़ा था COVID-19 पैंडेमिक के कारण, जिस वजह से कंपनी का EPS जून क्वार्टर में 90% से डिक्रीज हो गया था। अगर ये जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में असर नहीं दिखता COVID-19 पैंडेमिक के कारण, तो ये 5 ईयर की कंपनी की EPS ग्रोथ 36-37% के बीच में बढ़ती। अब हम बात करेंगे EPS प्रोजेक्शन ग्रोथ की, जिसमें हम 3 केस को अज्यूम करेंगे। पहला केस जो मैनेजमेंट का टारगेट है EPS ग्रोथ में आने वाले 4-5 सालों में मिनिमम 30% और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। दूसरा केस जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी को बढ़ा रही है उसको देखते हुए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और EPS ग्रोथ काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है। और अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले 10 साल के जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है EPS ग्रोथ उसमें 75% की रही है। अगर हम उसको ही लेते हैं दोबारा से, या फिर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक हब बनता है आफ्टर चाइना, तो उस हिसाब से कंपनी के EPS ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेजी से बढ़ सकते हैं। तो हम इसके अंदर अज्यूम करेंगे 75% की EPS ग्रोथ, जिस वजह से 2026 और 2031 में शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। थर्ड जो केस है वो है वर्स्ट केस, मतलब कंपनी का जो टारगेट है 30% अगर वो अचीव नहीं होता और कंपनी का जो EPS ग्रोथ है उससे कम ग्रो करता है, यानी 20% हम लेते हैं, तो 2026 और 2031 में कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम फेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी का PE चल रहा है 154x पे, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। अगर हम फेयर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 80-85 के अराउंड ही फेयर प्राइस फेवरेबल होता है। अगर करंट EPS की बात की जाए तो कंपनी का करंट EPS 27.5 का है, यानी हम इसको फेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 2,200 रुपये, जबकि मार्केट में कंपनी की वैल्यू चल रही है 4,000+। जो 2,200 रुपये जो कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू है, लगता नहीं है कि इस रेट पे आपको शेयर मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ है और इस कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने के कारण शेयर ओवर वैल्यूड ही रहेगा। गलती से भी शेयर अगर 3,350 के लगभग आता है तो वहाँ एक अच्छी बैट होगी शेयर को एड ऑन करने की। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट की। केस नंबर फर्स्ट, अगर कंपनी का EPS 30% से ग्रो करता है तो 2026 में कंपनी के EPS की वैल्यू 102 रुपये हो जाएगी, जिसको हम फेवरेबल पी यानी 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शेयर की वैल्यू निकल के आती है 2026 में 8,160 रुपये। अगर मैं इसी को मार्केट पी से मल्टीप्लाई करूं जो करंट मार्केट पी चल रहा है, तो शेयर की वैल्यू 15,708 रुपये हो सकती है 2026 के अंदर। 2031 की बात करूं यानी 10 साल बाद की, तो कंपनी का EPS 379 रुपीज़ पे जा सकता है, और जिसको मैं फेवरेबल पी यानी 80 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू निकल के आती है 30,320 रुपये, और जो मार्केट पी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही वैल्यू 58,366 रुपये हो सकती है। केस नंबर सेकंड, 75% से अगर कंपनी का EPS ग्रो करता है तो 5 साल में कंपनी का EPS बढ़कर 451 का हो जाएगा, और 2026 में कंपनी की वैल्यू अगर फेवरेबल पी से निकालते हैं तो 36,080 रुपये हो जाएगी, और जो मार्केट पी से हम मल्टीप्लाई करते हैं EPS को 451 को, तो वैल्यू निकल के आती है 69,454 रुपीज़। अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो 2031 में कंपनी का EPS बढ़कर 7,408 रुपये का हो जाएगा,
और फेवरेबल पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 5,92,640 रुपये। अगर हम मार्केट पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 11 लाख रुपये से भी ऊपर हो सकती है। केस नंबर थर्ड की हम बात करें तो 20% से अगर वर्स केस में कंपनी ग्रो करती है तो 5 ईयर में कंपनी का EPS ओनली 68 का होगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फेवरेबल पी यानी 80 से तो वैल्यू निकल के आती है 5,440 रुपये। अगर हम मार्केट पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2026 में वैल्यू निकल के आती है 10,472 रुपये। और हम 10 साल बाद की बात करते हैं यानी 2031 में कंपनी का EPS हो जाएगा 170 रुपये का, जिसको हम फेवरेबल पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 13,600 रुपये। और मार्केट पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट पी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आती है 10 साल बाद वो आती है 26,180 रुपये। सो ये एक डिटेल वीडियो था शेयर की फ्यूचर वैल्यू के साथ। अगर आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आया हो और इसी टाइप के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड पे, अंबर एंटरप्राइजेस पे, मुथूट फाइनेंस पे, इंडिगो पेंट्स पे, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इस शेयर के अंदर एंट्री या एग्जिट लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।